दद्दू जल्दी करवा ले, अब्बा के आने का टाइम हो गया है। वो आदमखोर, हरी अप। सभी दादा खुद ब खुद तो नहीं होगा ना? एक तो यार तुम्हारे मुंह से जब भी सभी दादा सुनते हो ना, मुझे फिल्मों के दादा जैसी फीलिंग आने लगती है। और अभी मुझे फीलिंग आ रही है वर्कशॉप वाले छोटू की। बेटा बड़े राइट्स होते हैं पड़ोसियों के, कभी आओ ना शाम को चाय पे, डिटेल से बताऊंगा। हाँ नहीं, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बर्थडे बॉय को लेकर पहुँचो सरमत के चटकारे पर। तुम्हें भी दुश्मनों का मोर्चा मिला था बर्थडे रखने के लिए। अरे मेरी बुलबुल, 50% का डिस्काउंट लगा हुआ। तो फिर तुम भी ना 100% बेसी के लिए तैयार रहो अब्बा से, उनका जासूस ना यही फिर रहा है। अरे कोई टेंशन नहीं है भैया, कर नहीं सकते। हाँ जी, हो गया आपका टायर फिट। चलो माँ तुम भी फिट हो जाओ गाड़ी में। थैंक यू आदम, हमने तुम्हें तकलीफ दी। इट्स ओके। वैसे आप लोग जहाँ कहाँ रहते इतने इमरजेंसी में? वो अस्पताल इयादत के लिए। किसकी? मेरा दोस्त है ना जाफर, पंखे साफ करते हुए नीचे गिर गया, टांगे टूट गई बेचारे की। वो केटरिंग वाले जो हर मामले में अपनी टांग अड़ाते थे। एग्जैक्टली वही, तुम कैसे जानते हो? वो पिछले साल इन्हीं को नगर हाथों से मिट्टी डालकर आया था उनकी कब्र पर। अल्लाह जन्नत नसीब करे। चले बेटा। अपने पड़ोसियों के रेस्टोरेंट पे, वो जो उसका हड़हरा बाप और वो बेचारा भाई चलाते। बाप का तो सिर्फ नाम है, सारे काम में सरमत भाई करते हैं, बाप तो सिर्फ शर्तें लगाते हैं सारी जिंदगी से। मगर तुम पागल वागल तो नहीं होगी? होती ना, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? दादू 50% डिस्काउंट लगावेगा। तो ये मशवरा उस नेहा लालची उस्ताद ने दिया होगा। जाहिर है, वरना वो उनका भी मुंह भी ना लगाए। चलिए ना, देर हो रही है।